अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अथर जी, अथर अब्बास, हेड ऑफ स्पोर्ट्स डैक्स जिक्र कॉलेज। और आज हमारे कॉलेज में फुटबॉल के ट्रायल स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ट्रायल्स में। और अभी हमारे जो है राहत फुटबॉल ग्राउंड पर जो है वो फुटबॉल के ट्रायल्स होंगे कुछ देर के बाद। मेरा नाम असद अली है, मैं फर्स्ट ईयर से E1 में पढ़ता हूँ और मैं राइट विंग खेलता हूँ। जी बेटा। मेरा नाम उसामा है, मैं C2 में पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ते हो? खेलता कहाँ है? अटैकर। मेरा नाम नयान है, मैं फर्स्ट ईयर M2 में पढ़ता हूँ, मैं डिफेंडर हूँ। मेरा नाम हमारे, मैं फर्स्ट ईयर E1 में पढ़ता हूँ, मैं सेंटर मिड खेलता हूँ। मेरा नाम अजीब अकबर है और मैं फर्स्ट ईयर E2 में हूँ और मैं गोलकीपर। गुड। मेरा नाम अली शाह है, मैं फर्स्ट ईयर E2 का स्टूडेंट हूँ, मैं गोलकीपर। मेरा नाम अब्दुल बाली है, मैं फर्स्ट ईयर E1 का स्टूडेंट हूँ और एज डिफेंडर खेलता हूँ। मेरा नाम मुदीप है, E2 में पढ़ता हूँ और मिड में खेलता हूँ। जी जी। हसीब अरशद है, E2 में पढ़ता हूँ और डिफेंडिंग। अब्दुल राफ है, E2 डिफेंडर। नाम मोहम्मद मुर्तजा नाम है, E1 में पढ़ता हूँ और डिफेंडर खेलता हूँ। अब्दुल रहमान नाम है, E2 में पढ़ता हूँ और डिफेंडर। गुड। मोहम्मद अहमद नाम है, फर्स्ट ईयर CS में पढ़ता हूँ और डिफेंडर। मेरा नाम मैं नाम अमजद हसन है, मैं E1 में पढ़ता हूँ और मैं डिफेंडर हूँ। गुड। अब्दुल्ला मुस्तफ़ा मैं फर्स्ट ईयर CS1 में पढ़ता हूँ, मैं सेंटर मिडफील्डर हूँ। वेरी गुड। मेरा नाम मोहम्मद शहीद है, मैं फर्स्ट ईयर E1 में पढ़ता हूँ और मीडियम पोजीशन सेंटर फॉरवर्ड। गुड। मेरा नाम उधर आसिम है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं मिडफील्डर हूँ। क्या बात। मेरा नाम फर्स्ट ईयर में हूँ, E2 डिफेंडर। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं अटैकर। गुड। मेरा नाम फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ और मैं डिफेंडर। माफ कीजिएगा। सर मेरा नाम मीर है और मैं GS2 में पढ़ता हूँ। पोजीशन बताएं। किस पोजीशन पे? मेरा नाम सायम है, मैं C1 है ना, एसएसपी। वेरी गुड। मेरे पास है जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। मेरा नाम मंजुला नाजिम है, मैं GS2 में हूँ, मैं डिफेंडर हूँ। माफ नीचे कर ले, माफ नीचे। मेरा नाम ओवेन है, मैं GS2 में पढ़ता हूँ, मैं कोई भी पढ़ूँ। फर्स्ट ईयर तीन बातें नहीं कर सकते यार। आई एम फर्स्ट ईयर मिडफील्डर। जी C1 अटैकर। गुड। मोहम्मद सभी अहमद, GS1 मिडफील्डर। कुमार लेफ्ट एक्शन फर्स्ट ईयर एम। आप बताएं। हसी फर्स्ट ईयर गोलकीपर। फर्स्ट ईयर आप बताएं। C1 पोजीशन कौन सी है?
वफा अब्बास एक्सलेंस इवन डिफेंडर। सर नदीम को हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पे सर नदीम हमारे पास आए। सर नदीम जो है एक प्रोफेशनल प्लेयर भी है, प्रोफेशनल कोच भी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तावन किया और हमारे इस इवेंट को, इस ट्रायल्स को जो है आपने एक ज़बरदस्त तरीके से जो है हम इसको इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। तो सर की जो बातें हैं वो आप सुन लें, उस पर अमल करना है आप लोगों ने। अच्छा एक प्लेयर बनना है, अच्छा इंसान बनना है और बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों ने परफॉर्म करनी है खेल। जी सर सिर्फ आप लोग नहीं हो, शायद यहाँ पर जो है ना कोई काम करने वाला भी यहाँ पर मौजूद होगा, वो डिसिप्लिन चेक करते हैं पहली बार। अगर आप लोगों में रिस्पेक्ट है टीचर की तो फिर आपकी भी रिस्पेक्ट होगी, अगर नहीं होगी यहाँ नहीं है तो बाहर भी नहीं। आप लोग इज्जत करो मैच का, आप लोग 20 मिनट मैच खेलते हो और इनमें सबको जो है ना सिलेक्शन पर भी हो, आप लोग एक टीम बनना है आपके कॉलेज का। आप इतनी टीमें साथ और एक ने फाइनल में भी है, दो टीम को फाइनल में भी आना है। आप अपनी मेहनत करो, इंजरी से बचो पहली बात। हम इंजरी हो गए ना, हमें पता है 6-6 महीने घर बैठ कर क्या होता है हमारे साथ, हुआ क्या था। लेकिन आप लोग इस इंजरी से बचोगे, एक दूसरे के साथ इतना कोशिश करना, कोऑपरेट करो कि लगे ना किसी को। आप अपने पढ़ाई से भी जाओगे और अपने स्पोर्ट्स से भी जाओगे, कोशिश ये करो कि बच बचा करते हैं। मेरी ये बातें और 11 साइड है, 4 डिफेंडर होते हैं, 1 गोलकीपर, 3 मिड, 3 स्ट्राइकर होते हैं। ये आप अपनी पोजीशन निकालो और याद रखना जो डिफेंडर है, जो सेंट्रल डिफेंड डिफेंस होते हैं और राइट और साइड, राइट का काम ये होता है अगर मिड ने उसमें पास किया है, मिड भी उसके साथ जाएंगे, एक सेंटर मिड खड़ा होगा राइट, और राइट के पास अगर बॉल है वो जा रहा है उसमें
क्रॉस करके जो है ना स्पिन स्ट्राइकर और दो मिड बाइक होंगे उसके जो है ना पार्ट और चार डिफेंडर एक गोल कीपर अब डिफेंडर किस तरह होते हैं बात एक राइट बैक सुनो बेटा सुनो मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ एक राइट बैक डिफेंडर की मैं बोल रहा हूँ गोलकीपर के बाद चार डिफेंडर आते हैं एक राइट बैक और एक लेफ्ट बैक एक डिफेंडर सेंटर और एक डिफेंडर मिड क्योंकि ये दो डिफेंडर इस तरह खेलेंगे और उसके बाद तीन मिड आएंगे उसके बाद तीन स्ट्राइकर आएंगे एक गोलकीपर ये परमिशन है अगर आप लोगों को परमिशन चेंज भी करना हो आप कर सकते हो चार मिड कर सकते हो दो स्ट्राइकर करोगे चार डिफेंडर या पांच डिफेंडर तीन मिड एक स्ट्राइकर ये भी आप कर सकते हो जो आपको बेहतर लगे लेकिन कोशिश करो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से इंजरी से बचो ओके सर ठीक है सर